भाई जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट खड़े होते हैं। क्या इस बार विराट कोहली का बल्ला गरजेगा, क्योंकि लंबा टाइम हो गया अखिल जी वो प्लेयर भाई जिनका रेपुटेशन ऐसा है उनके साथ जस्टिफाई नहीं करता, ये 24 ये 5 ये 1 ये 0, तो कहीं ना कहीं विराट को रन बनाने पड़ेंगे बॉस। अब बात तो आपने सही कही कि ये कहावत है कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पे बड़े खिलाड़ी खड़े होते हैं, विराट कोहली खड़े होते हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि विराट कोहली बड़े मैच में कभी नहीं चलते, स्पेशली नॉकआउट मैचेस में, सेमीफाइनल जैसे मैचेस में विराट कोहली का बल्ला कभी नहीं चलता है। अब देखते हैं कि इस चीज़ को विराट कोहली चेंज कर पाते हैं या नहीं कर पाते, पूरा इंडिया चाहेगा, पूरा सब कुछ चाहेंगे, क्रिकेट फैन चाहेंगे कि विराट कोहली का बल्ला अब नहीं बोला तो कब बोलेगा, अब तक रन बचा के रखें अपने, ये बड़ा मौका है इंग्लैंड के गेंदबाजों की, धज्जियाँ उखेड़ दो। धज्जियाँ उखाड़ दो, लेकिन भाई इंग्लैंड की जो आपने बात की, भाई इंग्लैंड भी तो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आएगा ना भाई, वो भी यूएसए को हरा कर आया, 10 विकेट से हराया, और वहाँ पर बटलर ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, नॉट आउट आए थे, भाई इंग्लैंड की इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, भाई इंग्लैंड का जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो भी एक बार देख लेते हैं भाई क्या उनमें कुछ चेंजेस होंगे। अब यहां देखें तो बटलर का जोश आपको दिख सकता है, फिल शॉर्ट होंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है फिल शॉर्ट दोनों के पास, मुझे लगता है आपको भी लगता है इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनकी ओपनिंग पेयर ही है। बिल्कुल, बटलर जो फिल शॉर्ट दोनों ही कमाल की लय में, और पिछले मैच में तो एक ओवर में 5 छक्के कूट दिए थे हरमीत सिंह को, तो बटलर को तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। और उसके बाद अगर आप देखें जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रुक, लेकिन हैरी ब्रुक भी वो मैच फिनिश नहीं कर पाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो आउट हो गए 7 रन से, वो मैच हार गया था इंग्लैंड की टीम। बट इंडिया के पास अच्छी बात क्या है, अनडिफीटेड टीम है, एक मैच हारा नहीं है, बट इंग्लैंड मैच हार कर आई है, और इंग्लैंड के लिए आई थिंक मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होना उनकी सबसे बड़ा वीक लिंक है। अब बॉलिंग अगर देखें भाई, बॉलिंग अच्छी है नो डाउट, क्रिस जॉर्डन जो हैट्रिक लेकर आए हैं पिछले मैच में, जोफ्रा आर्चर होंगे जो शॉर्ट लेंथ गेंद से वार करेंगे, बार बार सरप्राइज करते हैं बैट्समैन को, एक गेंद थोड़ा फुल लेंथ करेंगे, अगली छोटी गेंद करेंगे, और छोटी गेंद कभी कभी रोहित की भी दिक्कत हो जाती है, पुल शॉट मारते रन भी वहीं से आते हैं बट आउट भी वहीं से हो जाते हैं, सो थोड़ा सा रोहित को भी चौकन्ना होना होगा। लेकिन जब दोनों टीमों को आप देखते हो भाई, इन कंडीशन में इंडिया फेवरेट है या इंग्लैंड फेवरेट है अखिल जी? मैं इन कंडीशन को देखते हुए मैं कहूंगा कि इंडियन टीम फेवरेट है, और अभी तक इस वर्ल्ड कप में देखे ना इंग्लैंड की टीम डरी डरी नजर आई है, ग्रुप स्टेज के जो मैच थे वहां पे टीम का काफी खराब परफॉर्मेंस रहा, ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, स्कॉटलैंड ने भी इंग्लैंड की वाट लगा दी थी, वो मैच बारिश में रद्द हो गया, लेकिन 10 ओवर में 90 रन स्कॉटलैंड लगा दिए, एक भी विकेट इंग्लैंड के गेंदबाज नहीं ले पाए, ओमान और नामीबिया को हराकर इंग्लैंड जैसे तैसे सुपर 8 में पहुंचा, हालांकि सुपर 8 में आके इस टीम ने दिखाया कि वो डिफेंडिंग चैंपियन है, उन्होंने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, लेकिन फिर वो एक बड़ा मैच हार गए साउथ अफ्रीका से, उसके बाद इस टीम ने यूएसए को हराया, यानी कि इंग्लैंड का परफॉर्मेंस मैं कहूंगा उतना भी अच्छा नहीं था, हालांकि यूएसए को भी 10 विकेट से हराया, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि 2022 में हमको फिर भी डर लग रहा था, बेन स्टोक्स थे, जिस तरीके से टीम परफॉर्म कर रही थी डर लगता था इस टीम से, लेकिन अब मुझे इस टीम से उतना डर नहीं लग रहा है। तो इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11 भी आपके सामने चल रही है, बटलर कैप्टन, विकेट कीपर फिल शॉर्ट, विल जैक ये वो खिलाड़ी है जो एक ओवर में मैच का पासा बदलना जानता है, क्योंकि आईपीएल में जिस तरीके की फॉर्म दिखाई थी उसके दम पे आईपीएल का टिकट भी कटाया, T20 वर्ल्ड कप का टिकट भी कटाया और अच्छा भी खेले। बेस्ट स्ट्रोक, हैरी ब्रुक, मोइन अली, लिविंगस्टन, क्रिस जॉर्डन पिछले मैच में हैट्रिक लेकर आ रहे हैं, जोफ्रा आर्चर, रशीद और मार्क वुड, और इसी कारण शायद क्रिस जॉर्डन को मौका भी मिलेगा, रिच टॉपली बाहर बैठेंगे क्योंकि इनके खाते में अब हैट्रिक आ चुकी है। हैट्रिक आ चुकी है, लेकिन ठीक है अखिल जी भाई, बड़े जब मैच हो तो वहां पर हल्के में तो नहीं ले सकता टीम इंडिया, बट इंग्लैंड की टीम भी 2 बार की चैंपियन है दोस्तों, वो 3री बार भी बेताब है चैंपियन बनने के लिए, बट टीम इंडिया को उनको रोकना होगा। ऐसे में भाई देखा जाए दोनों टीमें ऑन पेपर भाई दोनों के स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग ही है, इंडिया के पास भी पावर हिटर है, उनके पास भी पावर हिटर है, एक तरफ लियाम लिंगस्टोन होंगे, देखा जाए मिडिल ऑर्डर में सैम करन होंगे, इंडिया के पास ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव है, यानी कि हम कह सकते हैं बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है, और जो हेड टू हेड आंकड़े हैं वो भी कुछ ऐसे ही बयान करते हैं कि भाई दोनों टीमें जब जब आमने सामने हुई T20 वर्ल्ड कप में भाई 2 बार ही तो टीम इंडिया ने बाजी मारी है और 2 बार ही इंग्लैंड ने बाजी मारी है। अब ये जो बड़ी लड़ाई है, ये जो बड़ा घमासान अखिल जी, ये फैसला कर देगा वर्ल्ड कप का। बिल्कुल, ये निर्णायक मुकाबला होने वाला है इस वर्ल्ड कप का, मच अवेटेड मैच, सबसे रोमांचक मैच, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, बदले की लड़ाई है भाई। वर्ल्ड कप के जो आंकड़े देख रहे हैं आप, 4 मैच हुए हैं, 2 भारत ने जीते, 2 इंग्लैंड ने जीते, और ओवरऑल आंकड़े भी टीम इंडिया का ही फेवर करते हैं। 23 T20 मैच हुए हैं, 12 भारत ने जीते हैं, 11 में इंग्लैंड को जीत मिली है, लेकिन पलड़ा टीम इंडिया का ही भारी नजर आता है। करंट फॉर्म टीम इंडिया की जबरदस्त है, लगातार ICC इवेंट में हमारी टीम झंडे गाड़ती आ रही है, मतलब ग्रुप स्टेज वाले मैचेस में नॉकआउट में आके हम फिसल जाते हैं, चौक कर जाते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है, सिक्स सेंस भी ये कह रही है कि इस बार टीम इंडिया सेमीफाइनल जीत रही है, फाइनल में पहुंच रही है, और फाइनल की फिर फाइनल के दिन देखेंगे। फाइनल के दिन देखेंगे
देखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इस मैच में भाई सबसे बड़ा एक्स फैक्टर आप किसे मानते हैं जो होने वाला है इस मैच में, वो पूरा मैच डिसाइड कर देगा, सबसे बड़ा गेम चेंजर, क्या है कुलदीप यादव मुझे दिख रहे थे, क्या कुलदीप यादव होंगे? क्योंकि कुलदीप यादव गेंद भी थोड़ा स्किड करता है, नीचे रहता है गेंद और उसको स्वीप मारना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने मेरे मन की बात कही है, जैसे ही आपने पूछा एक्स फैक्टर कौन होगा तभी हमारे स्क्रीन पर कुलदीप यादव की फोटो आई थी और मैं सभी सोच रहा था कि कुलदीप यादव को मैं एक्स फैक्टर चुनने वाला हूं। वैसे भी चुनना था क्योंकि पिछले 3 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, और बड़ी सही बात आपने कही गेंद थोड़ा नीचे रहती है, स्किड करके आती है, बल्लेबाज जब तक गेंद को पढ़ने जाते हैं ना वो काम तमाम हो जाता है, तो एज लगता है या फिर बोल्ड हो जाते हैं, LBW हो जाते हैं। कुलदीप यादव का तोड़ किसी गेंदबाज बल्लेबाज के पास नहीं है और इंग्लैंड के बल्लेबाजों की स्पेशलिटी है कि वो उड़ा के खेलते हैं, यानी कि ऐसे में कुलदीप यादव उनके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। उनको तो पेस पसंद है ना, बेसिकली जितना आप पेस दोगे उतना वो उड़ाकर खेलेंगे, चाहे जोनी बेस्ट हो, हैरी ब्रूक हो, यही फसाना है फिल सोल्ट, बस चेंज ऑफ पेस करते रहिए आप, बार बार गेंदें थोड़ा सा बदलाव लाते रहिए, वैरायटी है आपके पास। अर्शदीप सिंह जैसे हमने देखा भाई, अर्शदीप सिंह ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, और जो बुमराह है ना, बुमराह के पास वो क्लास है, जैसे ट्रेविस हेड का आउट किया था, वो चेंज ऑफ पेस डाला था और बीट हो गए थे ट्रेविस हेड। लेकिन इस मैच में भाई टीम इंडिया, जैसे रोहित इशारा कर रहे हैं कि हमें ऐसे 3 क्या काम करने होंगे जिससे अखिल जी हम इंग्लैंड का काम तमाम कर दें? भाई सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि विराट कोहली को चलना बहुत जरूरी है। कोहली को चेस पसंद है, कोहली को बड़े मैचेस पसंद है, कोहली को बड़ा अपोनेंट पसंद है। इस मैच में अगर कोहली नहीं चले तो बहुत दुख होगा, साथ ही शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा लोअर मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर टॉप ऑर्डर आपका जल्दी आउट हो गया, ऋषभ पंत नहीं चले, रोहित शर्मा भी नहीं चले, कोहली की फॉर्म पर वैसे ही आपको ट्रस्ट नहीं है, ऐसे में अगर शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा भी नहीं चलेंगे तो वो टीम इंडिया फंस सकती है, यानी कि लोअर मिडिल ऑर्डर का चलना बहुत जरूरी है, दुबे और जडेजा को रन बनाना बहुत जरूरी है। तीसरा काम कुछ क्या करना पड़ सकता है मनोज? फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी टीम इंडिया को, क्योंकि अगर आप हम कहते भी हैं कैचेज विन मैचेज, क्योंकि हमने बहुत देखा ऑस्ट्रेलिया ने कैचेज छोड़े थे बट इंडिया ने पकड़े थे, अक्षर पटेल का कैच आपको याद होगा मिचेल मार्श का, बिल्कुल जो 100 पकड़ा था और वो कैच नहीं था, शायद वो मैच था, तो इसलिए आपको इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ आपको फील्डिंग का जो लेवल है वो ऊंचा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मिस फील्डिंग करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। आई थिंक इस ऐसे देखा जाए तीनों डिपार्टमेंट में टीम इंडिया सुपर हिट एज ऑफ नाउ, क्योंकि एक मैच टीम इंडिया ने हारा नहीं है, बस एक चूक, बस वही दिक्कत है कि वो काम खराब ना कर दे। इंडिया को अपने से बेहतर खेलना होगा, और मुझे ये भी लगता है अखिल जी भाई, जब हमारे जब टॉप 2 में जाते हैं हम लोग या फाइनल या सेमीफाइनल नॉकआउट में खेलते हैं, आपको बोर्ड पे रन चाहिए अखिल जी, अभी 150 160 ये मैच विनिंग टोटल नहीं है, अगर आपको मैच जीतना है इंग्लैंड जैसी टीम से तो आपको कम से कम 180 190 चाहिए। पिछली बार भी ऐसे कुछ हुआ था ना, हमने बोर्ड पे रन तो लगा दिए थे लेकिन हमारे गेंदबाज रन डिफेंड नहीं कर पाए, हालांकि अच्छा मैदान था, विकेट्स आपको मिलने चाहिए थे, शमी आपके पास से, एडिलेड आपके पास से, हाँ जी मैं वेन्यू बोल रहा था, एडिलेड में मैच हुआ था, वहाँ पे आपको मैच जीतना चाहिए था। हालांकि इस बार भी टीम इंडिया अच्छा कर रही है, और अब तो न्यूयॉर्क में मैच भी नहीं हो रहा है, वेस्ट इंडीज में मैच हो रहे हैं, पिछले मैच में 200 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन रोहित शर्मा को उसी एटीट्यूड से बैटिंग करनी पड़ेगी, सूर्या को उसी तरह की कैमियो पारी खेलनी पड़ेगी। सूर्या की भी मैं जरूर करूंगा क्योंकि बड़े मैचेस में सूर्या का बल्ला नहीं चलता है, कल सूर्या को भी दिखाना होगा कि ये सब मिथिक था, मैं बड़े मैच का प्लेयर हूं, मैं नंबर 1 प्लेयर हूं, मैं टीम इंडिया को मैच जिताऊंगा, मैच जीतना है। और हमेशा कहते हैं ना कि जब इस तरह के मैचेस हो, नॉकआउट मैचेस हो, पहले बैटिंग करो, प्रेशर में सामने वाली टीम को डाल दो, एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगा दो, आप मैच जीत जाओगे, 190 भी बना दिए तो इंडिया मैच जीत रहा है। और इनफैक्ट कुछ लोग आपसे पूछ भी रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं लोग, ये जो बारिश की विजुअल्स आपको देख रहे थे दोस्तों, इसमें ये है कि अगर मान लीजिए 10-10 ओवर का मैच होगा तो फिर अखिल जी आपको क्या लगता है उस 10 ओवर में फेवरेट कौन है, इंडिया या फिर इंग्लैंड, बैटिंग किसकी तकड़ी है? सच बोलूं कि झूठ बोलूं? आप यहाँ पर दिल से बोलिए आप, क्योंकि हमारा मन ही ऐसा है, ना सिर्फ आप बल्कि हम बोलते हैं, हमारे जो यूजर्स हैं, जो दोस्त इस वक्त आप लोग देख रहे हो, आप भी तो सच ही बोलते हो ना अंदर से, यार इसको मौका मिलना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए, आप भी सच बोलिए। अब अगर 10 ओवर का मैच हुआ तो कहीं ना कहीं अपर एंड एडवांटेज रहेगा इंग्लैंड के पास, क्योंकि उनके प्लेयर जैसे मैंने पहले भी कहा उड़ा के खेलते हैं, फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, T20 को T20 के स्टाइल में खेलते हैं। हालांकि हमारे साथ वो दिक्कत आएगी क्योंकि विराट कोहली ओपन कर रहे हैं, यानी कि अब आप अपना ओपनर चेंज करें, नंबर 3 का बैटिंग चेंज करें, ऐसे में तो सूर्या ओपन उतरे, अगर 10 ओवर का मैच होता है या ऋषभ पंत ओपन उतरे, हार्दिक ऊपर आए, जड्डू ऊपर आए, अक्षर ऊपर आए, कोहली बहुत नीचे आ जाएंगे, यानी कि टीम इंडिया का थोड़ा सा चांसेस कम है। फिर पता चले, पूछ लेते हैं आपसे पूछ रहे दोस्तों, आप ही बताइए, अगर 10-10 ओवर का मैच होगा तो ओपन कौन करेगा रोहित के साथ? आपको लगता है ऋषभ पंत लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन? सूर्या मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैं सूर्या के साथ जाऊंगा। ये सूर्या के साथ, लेकिन दोस्तों आप भी बताइए आप किसके साथ जाओगे? मुझे लगता है कि रोहित और पंत, मैं कहता हूं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, ऋषभ पंत भी एक्स फैक्टर है इंडिया के, नो डाउट उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन ये मैच में बड़ा मजा आएगा दोस्तों, बस आपका ऐसे ही प्यार चाहिए, आप कमेंट्स करते रहिए और अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि 2-way कम्युनिकेशन हो फिर और मजा आता है, लेकिन मुकाबला वाकई सुपर हिट होने वाला है, एक तरफ इंडिया एक तरफ इंग्लैंड, क्या टीम इंडिया 10 विकेट से हार का बदला ले पाएगी?